इंदौर में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं, जहां देर शाम एरोड्रम क्षेत्र में बदमाश पुलिस की कैप लगाकर आए और ऑटो पार्ट संचालक से मारपीट कर उसकी सोने की चेन छीन कर फरार हो गए। वहीं पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बड़ी बात यह है कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिसकर्मी के ही बेटे बताए जा रहे हैं, जो अपने पिता की कैप लगाकर पहुंचे थे। पुलिस की कैप लगाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाली ये घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 51 की है, जहां पवार ऑटो पार्ट्स के नाम से राहुल पवार दुकान का संचालन करता है। रविवार शाम राहुल जब दुकान पर बैठा था, तभी पुलिस लिखी बाइक से दो लोग पहुंचे और गाड़ी पर लगा डंडा लेकर दुकान के अंदर घुस गए। बड़ी बात, आरोपियों ने पुलिस की कैप पहनी हुई थी। आरोपियों ने अंदर आते ही दुकानदार राहुल पर हमला कर उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसकी चेन छीन कर भाग निकले। वहीं पूरा मामला दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जहां पीड़ित कई घंटों तक रिपोर्ट लिखवाने के लिए परेशान होता रहा। बाद में पता चला कि घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी पुलिसकर्मी के ही बेटे हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भैया क्या नाम है आपका? राहुल पवार। क्या हुआ था राहुल? दो आए थे पुलिस यूनिफॉर्म का, मतलब कैप वगैरह पहन के, बोले हम पुलिस वाले, ऐसा बोल के उन्होंने हमारे साथ लूट करने की कोशिश करी और मारा। ये कहाँ की घटना है? ये मेरी शॉप स्कीम 51 14 अल्या नगर पवार ऑटो पार्ट्स की बात। क्या ऑटो पार्ट चलाते हैं आप? किसी कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह? कोई दुश्मनी नहीं है। क्या आप पहचानते कौन थे पुलिस वाले? नहीं पहचानते। थाने पे आप आए तो क्या बोला गया? थाने पे मेरी कार्रवाई नहीं करी गई, मैंने ऐसा जो बोला वो कुछ भी नहीं लिखा गया। अच्छा। उसमें बस ऐसा लिखा दो लोग आए आपको मार के चले गए, चेन गिर गई उसमें आपकी, जबकि उसने मेरी खुद ने चेन छीनी और मैं उसे बोल भी रहा हूँ कि चेन इतने में वीडियो पेज में है, मेरे पास पूरी वीडियो क्लिप है। मैं उन्हें वो भी बताई पहले, हम दो ढाई घंटे तक उन्होंने टाला कि भैया पहले फुटेज लाओ, फिर ये लाओ, फिर वो लाओ, जब भी कार्रवाई नहीं करी पूरी। आए थे लोग? ये बाइक से आए थे, बाइक पे पुलिस भी लिखा हुआ था, डंडे भी लगे थे, पूरी कैप भी सरकारी कैप पहन रखी थी उन्होंने, और बस उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था, बट पूरी पुलिस वाले स्टाइल में आए थे। और फिर उसके बाद में थाने पे भी पता चला गया कि ये सदर बाजार किसी कांस्टेबल के ही लड़के हैं दोनों, तो उनका फोन भी आया था थाने का फोन। अच्छा। वहाँ पर थाने पे पहुंचा के इन पे कार्रवाई तीन की जाए, जो है बस लिख के इनको रफा दफा किया जाए। तो उसके बाद हमारी एफआईआर भी नहीं लिखी, एफआईआर नहीं लिखी हमारी। राहुल पवार। पिछले दिनों एक ड्रग्स की बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें पुलिस ने एक बड़ी सफलता अर्जित की थी। उस कड़ी से जुड़े हुए जो दो आरोपी पकड़े गए थे, उन्हें पुलिस ने 15 दिनों की रिमांड पर लिया था, उनसे लंबी पूछताछ हुई है और उन कड़ियों को ढूंढने की कोशिश की गई जिन कड़ियों से इसके आगे की जानकारी मिल सकती थी, और अभी तक के पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण सुराग और महत्वपूर्ण कड़ियाँ इस पूरे पूछताछ में आई हैं, जिसमें मुख्य तौर पर उन जानकारियों के आधार पर आज 5 लोगों की और गिरफ्तारी की गई है, जो कि इस पूरे ड्रग पेडलिंग और इस व्यवसाय से, इस पूरे अवैध कारोबार से जुड़े हुए थे। इसमें अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इसमें रईस, तबरेज, ये मुख्य तौर पर आए, ये दिनेश अग्रवाल से जुड़े हुए थे, और इनके साथ साथ रईस के साथ साथ 2-3 और ऐसे नाम आए हैं जो कि दूसरे शहरों से जुड़े हुए हैं, यानी कि दूसरे शहरों से इनका जो अवैध नशे का जो पूरी तरह से अवैध कारोबार था, वो न सिर्फ यहाँ पर बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों में इनका अलग अलग ड्रग पेडलिंग का कारोबार था, ड्रग का अवैध रूप से इस व्यवसाय को खपाते थे। और अगर हम इनका देखें तो पिछले 1 सालों में अलग अलग हिस्सों में इन्होंने 50 केजी के आसपास इस तरह के ड्रग्स को अलग अलग शहरों में, जिसमें महाराष्ट्र के कई शहर हैं, जिसमें गुजरात के कई शहर हैं और राजस्थान के शहर हैं, मध्य प्रदेश के शहर हैं, इन अलग अलग शहरों में छोटे ड्रग तस्करों के माध्यम से खपा दिया है। इसमें जो गिरफ्तारी हुई, इसमें मुख्य तौर पर तबरेज और सरदार की गिरफ्तारी हुई, सरदार खान, और साथ ही साथ अशफाक नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसके बारे में और पूछताछ की जा रही है। इन पूरे लोगों को 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अलग अलग शहरों में इन्होंने जो पूर्व में जो एक रईस का नाम, पूर्व में जो विजयनगर में जो केस हुआ था, विजयनगर में जो घटना हुई थी, उसमें भी उसको कई युवकों को और कई इस तरह के अवैध कारोबार से जुड़े होने की सूचना आई थी।
आज पुनः उस घटना से जुड़ी जो कई जानकारियां हैं उसके बारे में भी इसे पूछताछ की जा रही है। इन्हें पूरे लगभग पांचों आरोपियों को एक सप्ताह के रिमांड पर लिया जा रहा है और टीम को इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है। इसमें अगर देखें तो जो इसमें कुछ आरोपी होते हैं इसमें सरदार खान है, सरदार खान पूर्व में उसका NDPS का ड्रग्स का रिकॉर्ड है, ड्रग की तस्करी का। मुंबई में इस तरह के NDPS के एक्ट में वो आज से 12 साल पहले बंद हुआ था और मुंबई के आर्थर रोड में NDPS एक्ट में 11 साल वो जेल में बंद रहा। अभी छूट कर वो आया, मंदसौर का रहने वाला है और यहाँ पर फिर उसने अभी शुरू किया था ये कारोबार, तब तक पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। बाकी आरोपी भी अलग अलग फारों के, जैसा कि बता चुके हैं कि दिनेश अग्रवाल और बाकी उसमें मंदसौर से हैं। बाकी जो कुछ है, जो आरोपी हैं वो इंदौर के हैं, इसमें से तीन आरोपी, उनसे सभी लोगों को लगभग एक सप्ताह की रिमांड पर पुलिस ले रही है और उनसे पूछताछ करके उन्होंने किसको किसको दिया है उसके आधार पर फिर और गिरफ्तारियां होंगी। इसमें सरदार खान का कुछ मुंबई से उस तरह की कनेक्शन और वहाँ के लाला बंधुओं से किस तरह की उसमें जानकारी साथ में इस तरह की संलिप्तता सामने आ रही है, लेकिन बहरहाल पुलिस उस पूरे मामले पर और डिटेल्स में पूछताछ कर रही है। आगे जो रिमांड लिया जाएगा उसमें इनसे इन सारे तथ्यों के बारे में जानकारी ली जाएगी। अभी इन्हें पकड़ा गया है, इनके बारे में पुख्ता पुलिस के पास जानकारी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनसे कुछ इस तरह के ड्रग्स जो इन्होंने मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में बेचे हैं उन ड्रग्स की पुलिस कोशिश करेगी कि उस ड्रग्स का जो हिस्सा अभी भी कहीं अगर उपलब्ध है तो उसे जब्त किया जाए। नहीं, उसमें छोटा हिस्सा इंदौर में है, लेकिन अब जैसा मैंने बताया कि न सिर्फ यहाँ पर बल्कि वो मध्य प्रदेश के कुछ शहरों के अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में, गुजरात के कई शहरों में, राजस्थान के कई शहरों में, आसपास के कई जगहों के तस्करों से इनके संपर्क हैं। पुलिस उस कड़ी में भी काम कर रही है, उन राज्यों के जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी भी जानकारी निकाल रही है और वहाँ की स्थानीय पुलिस के साथ उन्हें शेयर किया जाएगा। उसमें कई उसमें पुलिस के पास जानकारी आई हैं जो कई महत्वपूर्ण है उनका क्राइम के हिसाब से, लेकिन पूरी जानकारी को सादमी किसने नहीं किया सकता कि इससे दूसरे जो कुछ आरोपी होंगे या दूसरे जो इस तरह के ड्रग माफिया होंगे उनको वो जानकारियां उन तक पहुंच जाएंगी, इसलिए पुलिस उस जानकारी को पूरी तरह से सादमी नहीं करेगी। लेकिन यह है कि एक गिरोह निश्चित तौर पर शातिर तरीके से कई वर्षों से अलग अलग देश के हिस्सों में इस तरह की वारदात कर रहा था, इस तरह का कारोबार कर रहा था और पुलिस के पकड़े जाने से, उनसे पूछताछ के जाने से एक बहुत बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। मुख्य तौर पर ये अलग अलग शहरों में फैला हुआ है और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि कई राज्यों में इसके जड़े हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हैदराबाद से शुरू हुआ, यहाँ पर पकड़ा गया, कई शहरों में इसके अलग अलग नेटवर्क और इसके जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आए, तो यह गैंग काफ़ी बड़ा है और पुलिस इसको अंतिम कड़ी तक पहुँचने में, इसकी हर तह तक जाने तक इस पूरी जाँच को जारी रखेगी।